चैनल के साथ उपस्थित हैं डॉक्टर व्यवसाय शैक्षिक प्रभारी डॉक्टर अनु पांडे। बात करें डॉक्टर साहब, बेसिक जानकारी लेंगे क्योंकि सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और समुचित गरीब आम जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद भी दवाएं कुछ आपके रवसा सेची में कुछ डॉक्टरों के द्वारा एक मोटी कमाई के चक्कर में कहा जा सकता है कि बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं, एक्सरे और जांच बाहर से लिखी जाती है, क्योंकि ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक तो इसमें मोटा सा कमीशन मिलता है, यहाँ तक कि आशाएँ भी उसमें संलिप्त पाई जा रही हैं लोगों के द्वारा जो जुबानी बना हुआ है। तो ये क्या आपके वहाँ जांच और जो दवाएं हैं क्या उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि नाम तो यहाँ तक आ रहा है नाम छापने के छत पर कि आपके वहाँ डॉक्टर दो लोग ज़्यादा हैं, डॉक्टर एक जो सुनने में आया है कि सुनील कुमार हैं आपके वहाँ तैनात और एक नरेश चौधरी को, इन दोनों का नाम काफ़ी लोगों में एक जुबानी चर्चा का विषय बना हुआ, इस विषय पर आप क्या बताएँगे? डॉक्टर सुनील तो हमारे यहाँ ECSC रोसा पर तैनात हैं और इनके खिलाफ एक शिकायत भी है और इस प्रकरण को मुख्य सरकारी के यहाँ गया भेजा, एक इनकी शिकायत है कि इन्होंने एक कोई ऑपरेशन किया है जिस जो उस ऑपरेशन के बाद मरीज काफ़ी गंभीर है और उस ऑपरेशन के दौरान इनके द्वारा बहुत लापरवाही बरती गई है। हाँ, ये भी मामला वही कुछ रहा था सोहा का है, सोहा का है और संबंधित जो पेशेंट है पेशेंट के फादर ने हमको रिटर्न में अप्लीकेशन भी दी है और उन्होंने एक सीमा मैडम को भी दिया हुआ है अप्लीकेशन और उस पर चूँकि ये एक सर्जरी का मामला है तो कमेटी बना करके ही इस पर जांच होगी, ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही बनेगी, उसी के बाद इनके खिलाफ जाँच होगी। लेकिन हमारा विषय एक ये है कि जो आपके वहाँ दवाएँ बाहर से लिखी जा रही हैं और जो जाँच, ये जो आपका कहना है कि बाहर से लिखी जा रही हैं इसकी शिकायत मुझे भी मिली है, मैंने पर्चे भी पकड़े हैं, मैंने स्वयं भी पर्चे पकड़े हैं और मरीजों ने शिकायत भी की है इस संबंध में, जो भी संबंधित डॉक्टर थे उनसे दो दिन का टाइम दे करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि ऐसा आपने क्यों किया और यदि संबंधित स्पष्टीकरण सुचारू नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई के लिए जिला सिविल अधिकारी को लिखा जाएगा। क्योंकि मामला यह रहा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप प्रभारी हैं और जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हर सवालिया निशान आपके ऊपर खड़े करते हैं, तो इसमें लग रहा है कि आपने कोई समुचित इनके ऊपर नकेल नहीं कस रखी है या कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, इसमें से ऐसा है कि लगभग सारी दवाइयाँ अस्पताल में मौजूद हैं, जांच वगैरह एक्सरे वगैरह और एक्सरे भी यहाँ मौजूद है, एक्सरे भी होता है, फिर बाहर क्यों? लगभग 25 का औसत है प्रतिदिन एक्सरे का यहाँ पर, किसी भी कहीं का भी एक्सरे होता है तो एक्सरे यहाँ पर औसत 25 एक्सरे पर डे का है और बिजली नहीं भी वो होती है तो हम एक जनरेटर चला करके इसको एक्सरे करवाते हैं। जी जी, रही बात जांच की, हमारे यहाँ बलगम जांच के लिए जो टीबी के रोगी आते हैं उनके लिए टू नॉट मशीन लगी है और स्पोटम जो बलगम होता है उसकी भी जांच होती है, खून संबंधी जांच अभी जो है वो भी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है और मैंने इन लोगों से जो भी डॉक्टर हैं मैंने उनसे कह रखा है कि जितनी जाँचें यहाँ अवेलेबल हैं अस्पताल में आप वो कराइए, अगर कोई अन्य जांच की आवश्यकता है तो सारी जाँचें जिला अस्पताल में होती हैं, मरीज को वहाँ दे दीजिए, वहाँ से आप कराएं, बाकी आप करेंगे लेकिन इसके बावजूद ये लोग मनमानी क्यों करते हैं? लिए ये मनमानी कर रहे हैं और इनके खिलाफ जांच चल रही है, बहुत जल्द आपको जो है क्या कार्रवाई इसके बारे में पता होगा। धन्यवाद। 5,000 अस्पताल में है? 5,000 पड़े थे? हम दूसरे क्यों बताते, हम तुमको हो हम अधिकारी हैं। रेवसा सेची में आया हुआ व्यक्ति और कुछ परेशानियों से घिरा हुआ यहाँ के लोगों से तैनात स्टाफ से परेशान नजर आ रहा, आखिर मामला क्या है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार। पिताजी का? रघुनंदन। कौन लोग हो? भार्गव। कहाँ घर है? मेवड़ी छोलहा। थाना? तंबौर। अच्छा, मेवड़ी छोलहा खास रहते हो कि कोई परवाह है? यहाँ अस्पताल क्या लेने आए थे? क्या नाम है मम्मी का? टिमरती देवी। अच्छा, तुम्हारी पत्नी है? अच्छा, कब आए थे? कल। कै बजे? कल आए मैं 10 बजे। रात में? दिन में? रात में। कहाँ से आए थे? एम्बुलेंस। अच्छा, फिर क्या हुआ? बच्चे का जन्म हुआ। लड़का लड़की? लड़के का। तो आपको प्रॉब्लम, इलाज बढ़िया हुआ? ठीक से सुविधाएँ बढ़िया मिली? सुविधाएँ तो मिली हैं मगर जो पढ़े रहे हैं जो कागज बनाए रहे हैं तो उनमें पैसा मांग रहे हैं। कितने पैसा दियो? 500 रुपये मांग रहे हैं। मांग रहे हैं कि दियो? दे दिए 500 दिए। ये कहा के दियो तो सरकारी है?
सरकारी है मगर वो ना मान रहे, कह रहे हैं हम अच्छे हम लिखा पढ़ी में कागज हमका भेजना पड़ा लिखे पड़ा तो देना पड़ा थे। को लिखा है नाम बताओ। नाम हमका ये ना मुझे लिखने अब क्या पता कौन लिया। 500 रुपया दियो। 500 रुपया दिहन ना कम करना कुछ कम है तो कम वापस कर दी ना। 300 रुपया दिहन तो वापस कर दी इतने नहीं लिए पूरे 500 लिए तो दोबारा जाए क्या तुरा के पैसा फिर दिन लिए हैं तो 350 दिन गए तब होना है लिए 500 लिए। हाँ तब हम फिर अपने इनके अपने भाई के हैं भाभी पठान के दिन हो या पता ना दिन एक ना दिन ले गए। अच्छा तुम इनके को आओ भैया तो ये बतावत है पैसा दे पैसा 500 दिन। अच्छा